लेकिन बहुत ही ठंडी है, मतलब बहुत ज़्यादा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ठंड के टाइम में हम यहाँ पर आ गए हैं। कितना डिज़ाइन है इन पत्थर पे भी बना हुआ है ना। और ये हम यहाँ पर नहाने आए थे लेकिन यहाँ का इतना साफ पानी देख के हमारे विचार ही बदल गए। हेलो गाइज, अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग एंड दिस इज़ योर फेवरेट अनमता हसन। तो आज हमारा फैमिली ट्रिप है और हम जा रहे हैं देहरादून गुच्चू पानी। तो बहुत टाइम से हमारा प्लान हो रहा था कि हम कहीं जाएंगे, लेकिन इतने सारे फंक्शन थे और भाई के एग्ज़ाम थे, मेरे भी एग्ज़ाम थे, अभी भी खैर मेरे एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ से, लेकिन फिर भी हमने नेक्स्ट वीक से स्टार्ट है मेरे एग्ज़ाम, लेकिन बहुत टाइम बाद प्लान हुआ था तो मैंने सोचा मैं कर लूँगी एडजस्ट। तो हमारी 2-3 दिन के अंदर ये प्लानिंग हुई कि हम जाएंगे और फिर आज हम फाइनली जा रहे हैं और सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और बहुत मज़ा भी आने वाला है। बोलना चाहेगा तानिया? हाँ, वैसे तो सुबह ब्रेकफास्ट चाय भी खाने वाली चीज़ है कोई, तो अभी बिहारीगढ़ का रुकेंगे थोड़ी देर, उसके बाद हमारा फर्स्ट पकौड़े मशहूर हैं। हाँ, बिहारीगढ़ के जो पकौड़े हैं वो मशहूर हैं। अभी पापा ड्राइविंग कर रहे हैं इसलिए पापा को मैंने दिखाएंगे, लेकिन सभी ने पापा की आवाज़ सुनी ली होगी। तो अभी हमारा बिहारीगढ़ है रुकने का प्रोग्राम, फिर उसके बाद हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है गुच्चू पानी। उसके बाद भी हमारा था कि हम कहीं और जाएँगे, अभी देखते हैं कि अगर हम गए तो वहाँ का भी शूट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। फाइनली बिहारीगढ़ पहुंच गए हैं, पापा जाएंगे पकौड़े लेने। हमारे साथ हमारी एक और मतलब रिलेटिव है, लेकिन उन्हें तो खैर हम शो नहीं करेंगे क्योंकि हमारा तो अपना फैमिली का व्लॉग है ये। कोई ये रहे वो मशहूर दुकान है। हाँ, ये देख सकते हैं आप, और ये हमने यहाँ लगा दिया है परेड। ये देख सकते हैं आप, राजकुमार सैनी पकौड़े वाले, मित्तल टी स्टॉल, कन्हैया पान भंडार, बहुत सारे हैं, ये देख सकते हैं। चाय पियेंगे पापा, लेकिन मैं नहीं पीऊंगी, और वहीं पे जाके पियेंगे वरना यहाँ पे आते आते ठंडी हो जाएगी। और ये रहे हमारे बिहारीगढ़ के मशहूर पकौड़े। ये किस चीज के हैं अंकल? ये आलू के हैं, आलू के हैं, और ये प्याज के हैं। अंकल ने तो बेइज्जती कर दी, सुनी नहीं मेरी बात, और ये चले जा रहे हैं यहाँ पर। अंकल तो शायद बहुत सीख रहे हैं, सुनेंगे नहीं, इसलिए मैं दोबारा नहीं पूछती। अच्छा, बारिश की वजह से रुके हुए हैं, बाइक वाले रुके हुए हैं। वाह, हमारे पास इतनी जगह नहीं है जो हम सबको बिठा ले। फाइनली हम गुच्चू पानी पहुंच गए हैं। बहुत ही आज हम यहाँ पर आए कि थोड़ा नहाएंगे, और यहाँ पे भी इतना ठंडा मौसम है, बहुत ही ज़्यादा उल्टा ही पड़ गया हमारे ऊपर। तो ये सब फैशन यहाँ खुल गया है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इतना तैयार होके आने का, यहाँ पे चप्पल पहननी पड़ गई है हमें सबको, सिर्फ मुझे ही नहीं। क्या कर रहा है दानियल? फ़ोन के बिना तो कुछ भी नहीं होगा, फ़ोन तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, मेरे लिए हॉटस्पॉट ऑन कर दो। और ये यहाँ पे रेंट पे मिल रही हैं स्लीपर्स, लेकिन हम तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, हम अपनी लेकर आते हैं। चप्पल किराया 10 रुपीज़, खोने पर 120 लिया जाएगा। वाओ, ये मेरे फेवरेट हैं मुंडिया के बाल, और पता नहीं क्या नाम होता हुआ, मैं तो यही जानती हूँ।
ये लड़की कौन चल रही है हमारे आगे आगे, पहचान में भी नहीं आ रही। ये है मेरी अम्मी। अबू सर हाय, क्यों इसकी शक्ल तो दानियल जैसी है बिल्कुल। ये है जो यहाँ पे सेंटर होना। नो मार्क्स नो एंट्री। अब मार्क्स हमें खरीदने पड़ेंगे। सफाई है यहाँ पे। वाह, लेकिन यहाँ का मौसम इतना ठंडा है ना कि पानी को देख के भी ठंड लग रही है। अंकल जी अपनी सेल्फी ले रहे थे, नहीं डिस्टर्ब कर दिया मैंने। ये शायद पार्क है यहाँ पे, रॉबर्ट्स केव कैफे। ये मेरी अम्मी और भाई। बिल्कुल पूरा ऊपर से तैयार और नीचे से बिल्कुल चप्पल वाला लुक। ना तो आज धूप है जो मेरे इस चश्मे का कोई फ़ायदा हो जाए, ना ही आज इस पानी का कोई फ़ायदा है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। फाइनली पहुंच गए हम बिल्कुल अंदर तक, एक घंटे के बाद चलने के बाद। इतना ज़्यादा पानी नहीं है। अम्मी क्या कहती जानिए कि यहाँ पर स्विमिंग करी हो? इस पानी में मेरा भाई स्विमिंग कर सकता है? आप बता सकते हैं इस बात को कमेंट बॉक्स में। इसके अंदर जाना है, और भी अंदर जाने का रास्ता है यहाँ से ना। दानियल बता रहा था कि पुराने टाइम में यहाँ पर ना चोर आते थे छुपने के लिए। अल्लाह, मुझे तो बहुत डर लग रहा है यहाँ पे। कोई सा अगर पहाड़ गिर गया ना तो सारा व्लॉग भी हो जाएगा। आज तो ऐसा लग रहा है पापा और अम्मी पूरा 20 साल पीछे चले गए अपनी शादी के। हाँ अम्मी स्विमिंग कर ले यहाँ पे। बाहर भी आना है वापस, तभी स्लो स्लो में इतना अंदर चले जाओ। देख ले ताना, मुझे भी लिए जरा। हमारे मम्मी पापा तो भूल गए हैं कि इनके दो बच्चे भी हैं, बिल्कुल हमारे बिना ही हमें पूछ भी नहीं रहे। क्या देखना है? अच्छा, ये देख सकते हैं यहाँ वाला पानी कम है जो यहाँ से भी आना स्टार्ट हो गया है। वाह, ये भी बहुत ठंडे होंगे, बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। और कितना अंदर जाना है ब्रो? मेरा भाई तो वैसे इतना काम चोर है और आज तो उसको इतना ज़्यादा चलना पड़ेगा। गंदा तो नहीं है, रुड़की वाले से तो साफ ही है। और ये सबके पैर गोल हो गए पानी में। लोगों के अंदर अगर ये गिर जाए ना बहुत बुरा होगा। हाँ।
कितना डिजाइनर है। हमें जाने में टाइम लगा, आ हम एकदम गए ना। यहाँ पे लाइटिंग जरूरी है। लेट्स डू सम फोटोशूट। हॉन्टेड हाउस, बर्फ का गोला। दानियाल ये खाएगा? ये खाएगा? सिर्फ मैं लूंगी। अभी हम मीठा बनाना है। खट्टा मीठा कैसे चाहिए? हाँ खट्टा मीठा। दूसरा बनते हैं। अच्छा एक और है अभी। हाँ, अभी तो मना कर रहा था कि खाएगा नहीं। तुम्हारा बंदा देख लो कैसे खाते हैं, इसे देख लीजिए। ये दिखाओ, इसे भी दिखाओ। बस तो और अब हम सब खाएंगे चॉकलेट केक। वैसे तो पापा को चॉकलेट पसंद नहीं है, मुझे दे दो पापा अपने। पापा खाएंगे? खा लेंगे, बच्चे खा लेंगे, मुझे पसंद नहीं है। ये कोई बात नहीं होती, आप खाओ। मैं बच्चा खा लूंगा। खा लेगा कोई नहीं। और अभी तू ये पेपर भी चाट लेगा। Our second destination, Satsvidhara. Satsvidhara मुख्य प्रवेश द्वार, आनंद ले प्रकृति, झरने, नहाने के तालाब, रेस्टोरेंट, पिया के गेट। अपना कचरा कूड़ेदान नहीं डालने, अपने भाई की बात चल रही है यहाँ पे। सकेत गेम, हॉन्टेड हाउस का बहुत ट्रेंड चल रहा है, वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है। एक तो वहाँ वाले में तो आवाज़ इतनी अजीब तरीके से निकाल रहे थे लोग। अब तक फिर इतने गंदा पानी, कोई दूर से भी नहीं दिख रहा है इसमें नहाता हुआ। साफ पानी में मैं नहीं नहा सकती बाबा। नहाओगे? नहाओगी अम्मी? दानियाल को नहीं लाएंगे यहाँ पे, वैसे भी स्विमिंग सीख रहा है। पानी में नहा के तो रंग बदल जाएगा। मैं तो वैसे ही पापा इतनी ज़्यादा डार्क हो गई, अपनी मैं और खो सकती इससे ज़्यादा। अल्लाह, चॉकलेट जैसा पानी है लेकिन ये दूसरे वाली चॉकलेट है। फैमिली तालाब। तो गाइज, जैसे कि आपको मैंने दिखाया था कि वहाँ का पानी कितना गंदा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो दिन, मतलब अभी है कि बारिश हो गई है, तो 3-4 दिन तक पानी ऐसे ही गंदा रहेगा। थोड़ी हमारी भी गलती है कि हम बारिश वाले मौसम में यहाँ पे आए हैं, हमारी भी कोई गलती थी। हमें टाइम ही अब मिला था तो हम नहा तो बिल्कुल नहीं पाए। दानियाल ने तो बहुत गंदे पानी में डुबकियाँ लगाई हैं, बहुत ज़्यादा। सब ऐसे जा रहे हैं जैसे बहुत ही गंदी वाली इंसल्ट हो गई है सबकी, मतलब जितने भी मतलब इतने लोग आए हैं, देख के भी उन्हें अजीब सा लग रहा था। वो हमारी शक्लें देख रहे थे, हम उनकी देख रहे थे कि यार क्या करें। लेकिन कुछ लोग तो लगे वैसे उसी पानी में, मतलब सिर्फ सेल्फीज वगैरह ले रहे हैं। हमने तो वो भी नहीं ली, क्या फ़ायदा, अपना दिल दुखाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये वाला ब्लॉग हमारा आज का यहीं पे एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, और इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। बाय बाय।